एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका श्री बालाजी कंप्यूटर्स में। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर के बारे में है। आज हम आपको बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन बताएंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, कौन सी इनपुट डिवाइसेज होती हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, उनके काम कैसे होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, ये इंफॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो जिसका नाम है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कंप्यूटर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं आपका स्वागत है श्री बालाजी कंप्यूटर्स में। हमारी इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फॉर मोर इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और आज की जो वीडियो है वो वीडियो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। तो इसे हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। जो हमारा डेटा होता है, जिसे एक आउटपुट हमको मिलती है, एक आउटपुट जनरेट होती है। डाटा फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, डेटा होता है हमारा जैसे 2 प्लस 2, 2 प्लस 2। जो 2 है वो हमारा डेटा है, जो प्लस है वो हमारा लॉजिकल एक साइन है, और जो अगेन 2 है वो हमारा डेटा है। और डेटा जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट रॉ मटेरियल होता है। और जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है फुली प्रोसेस्ड एंड फुली ऑर्गेनाइज्ड आउटपुट, जो हमें उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद मिलती है, जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है हमारे लिए और जो हमारे लिए यूजफुल होती है। जैसे कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 जो है वो हमारी आउटपुट है, वो हमारी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस होने के बाद जो हमारे लिए यूजफुल है। तो हमें पता चलता है कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 होता है। डेटा प्रोसेसिंग जो होती है, डेटा प्रोसेसिंग एक वे है जो स्टेप बाय स्टेप हमारी जो हमने डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया है वो स्टेप बाय स्टेप उस डेटा को प्रोसेस करता है और हमको जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारे लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है और ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये क्यों बनाया गया बेसिकली। तो क्या होता था पुराने जमाने में, जैसे हमारे जो फाइनेंशियल हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल कलेक्शंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे चीजें हैं जो पुराने जमाने में लोग मैन्युअली करते थे, और मैन्युअली उस काम को करने में बहुत सारा वक्त लग जाता था। जो कि आज हम देख सकते हैं कि आज के जमाने में जो कंप्यूटर की मदद से करना हमारे लिए चुटकियों का खेल हो गया है। तो कंप्यूटर की तो सबसे पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन आपको बताते हैं। कंप्यूटर की जो बेसिक जो हमारी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को और हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को एक सेट के उसमें फॉलो करता है, एक सेट में फॉलो करता है, और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। इजी वे में अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेसेस रॉ डेटा एंड गिव्स अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। सबसे पहले हम दोस्तों ये जानते हैं कि डेटा क्या होता है। अभी आप ये मान लीजिए कि हम एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं और टेलीकॉम कंपनी में हम ये जानते हैं कि रोज बहुत से जो हमारे सिम होते हैं, जो हमारे मोबाइल के सिम होते हैं, वो रोज के बहुत से सिम जो हैं वो सेल होते हैं। तो वो जो सिम होते हैं वो हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी आईडी पे मिलते हैं, और उस आईडी को हम एक फॉर्म के साथ अटैच करते हैं और उस फॉर्म को फिल करके हम दुकानदार को देते हैं और वो दुकानदार उस फॉर्म को आगे कंपनी में भेज देता है।
अब जो हमने फॉर्म फिल किया वो हमारी कंपनी के लिए एक रॉ डेटा है। जब वो रॉ डेटा हमारी कंपनी के पास पहुंचता है तो वो उस डेटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं। कैसे कैसे फीड करते हैं? जैसे अलग अलग फील्ड्स होती हैं, अलग अलग कॉलम्स होते हैं, जैसे आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका फादर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और भी ऐसे बहुत से जरूरी फील्ड्स होते हैं जो वो कंप्यूटर में पुट करते हैं, जिसे हम डेटा कह सकते हैं। जब डेटा हमने पुट कर दिया, उसके बाद बारी आती है उस डेटा को प्रोसेस करने की। वो उस डेटा को हमारा जो कंप्यूटर है वो उस डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें एक जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है। इंफॉर्मेशन हम क्या कह सकते हैं कि जैसे अब मान लीजिए हमारे पास फॉर्म्स आए, उन फॉर्म्स को हमने कंप्यूटर में एंटर किया। एंटर करने के बाद हम ये जानते हैं कि हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली। तो वो इंफॉर्मेशन हम कैसे काउंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमको ये पता चलेगा कि सारे फॉर्म्स कंप्यूटर में एंटर करने के बाद हमें ये पता लगेगा कि हमारे कितने सिम जो हैं वो सेल हुए। अगर आप उन सिम्स की डेट भी आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं कि 1 तारीख है, फिर 2 तारीख है, फिर 3 तारीख है, तो जब आपकी पूरी एक शीट रेडी हो जाएगी तो आप उसको फिल्टर करके भी चेक कर सकते हैं कि 1 तारीख को कितने सिम सेल हुए, 2 को कितने सिम सेल हुए, 3 को कितने सिम सेल हुए, या हमारे पूरे मंथ में कितने सिम सेल हुए, या हमारे मंथ में मान लीजिए अगर 100 सिम सेल हुए और हमारा 1 महीने में 30 हमारे दिन होते हैं, तो हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी पर डे एवरेज क्या आई सेल की। जैसे कि अगर 100 सिम सेल हुए 30 दिन में, तो हमारी 3 सिम, 3.25 सिम पर डे की एवरेज आती है कैलकुलेशन में, तो वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे होता है कि फंक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा सीपीयू है, वो हमारे द्वारा दिए गए डेटा पर स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा सीपीयू है वो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को अपने पास कलेक्ट करेगा। अब आपने मान लीजिए अपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, तो वो जो सीपीयू है वो ए को नहीं समझता है। उसके लिए जो ए एक वेरिएबल है हमारे लिए, लेकिन सीपीयू के लिए वो कुछ भी नहीं है। सीपीयू जो समझता है वो 0 और 1 की भाषा समझता है, जो कि बाइनरी इनपुट होती है। इसको हम बाद में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले सबसे पहला स्टेप जो सबसे पहला जो फंक्शन होता है सीपीयू का, वो ये होता है कि वो जो डेटा है उसे इकट्ठा करता है, उस डेटा को अपने पास प्रोसेस करता है। उसके बाद वो उस डेटा की प्रोसेसिंग शुरू करता है। जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमने 2+2 एंटर किया, तो वो 2+2 पहले सीपीयू ने अपने पास गैदर कर लिया, अपने पास इकट्ठा कर लिया 2+2, कि उनको उसको ये पता लग गया कि एक कमांड आई है 2+2। उसके बाद उसने सेकंड स्टेप में उस कमांड को प्रोसेस करना शुरू किया, उसको एक इंफॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए। प्रोसेस करने के बाद उसने उस इंफॉर्मेशन को, जो उसकी 2+2=4 जो इंफॉर्मेशन आई, उसको अपने पास स्टोर कर लिया, टेम्परेरी स्टोर कर लिया अपने पास, और एंड में उसने उस इंफॉर्मेशन को एज अ आउटपुट हमें प्रेजेंट कर दिया। अब आउटपुट क्या हो सकती है? देखिए, आउटपुट मॉनिटर पे आ सकती है, प्रिंटर में आ सकती है, एज ऑडियो आ सकती है, एज वीडियो आ सकती है। आउटपुट बहुत तरीके से आ सकती है, इसे भी हम आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो एक बेसिक फंक्शंस हैं प्रोसेसिंग सिस्टम के, जो एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है, एक सीपीयू परफॉर्म करता है, आपके द्वारा दिए गए रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए।
आगे चलते हैं। थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब हम ये जानना चाहते, ये हमको समझना पड़ेगा पहले कि मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं एक रो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए। उस प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो यूज होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए आपके रो डेटा से। देखिए, पहला तो होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द टेंजिबल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है वो सबसे पहला और जरूरी एक पार्ट है आपके कंप्यूटर का, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है 2+2, तो अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड इज अ हार्डवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट है कीबोर्ड जो होता है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कीबोर्ड ही नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे? ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। तो हार्डवेयर पार्ट जो होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं, और वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू के देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि इधर वो प्लास्टिक के बने हैं, स्टील के बने हैं, आयरन के बने हैं, या वायर्स होती हैं। तो ये सभी हमारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। दूसरा जो जरूरी कंपोनेंट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो नॉन टेंजिबल पार्ट होता है, लेकिन वो कंप्यूटर को बताता है, कंप्यूटर को एक वे प्रोवाइड करता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी हैं, जो हमने कमांड या रो डेटा हमने कंप्यूटर को दिया है, उस रो डेटा को कैसे आगे प्रोसेस करना है, या उसका उस रो डेटा का आपने करना क्या है। जैसे कि अब 2+2 है, 2+2 को हम कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं कंप्यूटर में, और हम एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हमारा सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर सकते हैं। एक्सेल शीट में जाकर हम 2+2 करके देख सकते हैं। तो वो इजी इजीली हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर, हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या कमांड दी है, और हमारे हार्डवेयर को वो ये बताते हैं कि आपने उस कमांड को कैसे प्रोसेस करना है, और जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज होती है पीपल वेयर। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो हो गया, अब ये पीपल वेयर क्या होता है? पीपल वेयर होते हैं हम लोग। अगर हम ही नहीं हैं तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देगा कौन? बिना हमारे कंप्यूटर सिर्फ एक खाली डिब्बा है जो कुछ भी नहीं कर सकता। तो पीपल वेयर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी जरूरी पार्ट है एक कंप्यूटर को चलाने के लिए। हम पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ही वो उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके हमें एक इंफॉर्मेशन डिजाइन करके दे सकता है। तो आप समझ गए कि थ्री मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल वेयर, यानी कि हम। तो चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर साइजेस, हाँ, ये बहुत ही बड़ी एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर कौन कौन से साइजेस में अवेलेबल हैं हमारे पास। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे यूज होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का अगर आप एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए कि यूट्यूब के सर्वर्स या गूगल के सर्वर्स, वो ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं जिन कंप्यूटर्स में से सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया डेटा वहां से कैप्चर कर सकती है। अब हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो वीडियो एक्चुअली स्टोर कहाँ पे है। तो वो वीडियो YouTube के सर्वर पर स्टोर्ड है, जिसे हम कहीं भी बैठे, कभी भी बैठे देख सकते हैं। दूसरे होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स होते हैं, और उनके साथ हम उनके एक दो
जुड़वा भाई बहन भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, हमारा एक कंपनी तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारा एक ऑफिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सीए का ऑफिस है। उसमें अब सीए का काम क्या होता है कि उनके जो भी क्लाइंट्स हैं उनका सारा जो बिलिंग डिटेल्स है, परचेज है, सेल है, उसका वो अपने पास हिसाब रखते हैं, और एंड में उनका जो पेएबल टैक्स होता है वो उनको निकाल के देते हैं कि आपका ये पेएबल अमाउंट है जो आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना है। अब उसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी भी सीए के ऑफिस में एक उन्होंने मेन कंप्यूटर लगाया हुआ है जिसमें उनका एक जो सीए का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है, लेकिन अब इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए एक आदमी तो काम नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, हम मॉडम की सहायता से उस एक कंप्यूटर के साथ तीन चार कंप्यूटर हम और जोड़ देंगे जो कि उसी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे जो मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। वो सॉफ्टवेयर दूसरे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल नहीं होगा लेकिन वो उसको एक्सेस कर सकते हैं उस कंप्यूटर से, तो वो एक मिनी सर्वर आप उसको कह सकते हैं कि वो मिनी सर्वर है एक छोटे से ऑफिस के लिए, उसे हम मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं, और वो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर हो गया कि आप एक कंप्यूटर से अटैच करके तीन चार कंप्यूटर पे आप वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और आप जैसे उसकी और डिवाइसेस भी जो उसके साथ अटैच है आप उनको शेयर कर सकते हैं, जैसे स्कैनर है, प्रिंटर है, काफी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको आप जो उसके साथ अटैच हैं और आप उसको दूसरे कंप्यूटर्स पे शेयर करके यूज कर सकते हैं। तीसरे कंप्यूटर्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स, जो आजकल हमारे घरों में होते हैं, हमारे हाथों में होते हैं, जैसे लैपटॉप्स है, मिनी लैपटॉप्स है, टैबलेट्स हैं, टैब्स है, यहां तक कि जो हमारे आजकल के मोबाइल आ रहे हैं वो भी एक तरह से मिनी कंप्यूटर ही हैं जो हमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो एक छोटे से कंप्यूटर में, जो एक पर्सनल कंप्यूटर में होनी चाहिए। तो ये तीन साइजेस होते हैं कंप्यूटर्स के जो हमारे पास प्रोवाइड होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, एज लाइक यूट्यूब सर्वर्स, और उनमें बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक मिनी सर्वर के जैसे होते हैं जो अपने साथ तीन चार हम उसके साथ कंप्यूटर और अटैच कर सकते हैं और उससे हम काम में ला सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं, जिनमें सिर्फ एक इंडिविजुअल का ही डेटा स्टोर होता है, किसी फर्म का डेटा स्टोर नहीं होता या एक से ज्यादा बंदों का डेटा स्टोर नहीं होता, वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। तो उनमें कोई ऐसा डेटा भी स्टोर आजकल नहीं होता है कि अगर वो डेटा उड़ गया तो हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब उसके बाद दोस्तों आते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में। बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है उस मेमोरी का एक यूनिट है, हमें वो पता होना चाहिए कि हमारा जो मेमोरी है उसका यूनिट है क्या। अब जैसे कि आजकल हम बोलते हैं कि हम मैंने एक मोबाइल खरीदा है उसमें 32 GB इंटरनल मेमोरी है, तो वो 32 GB है क्या। देखिए कंप्यूटर का जो बिल्कुल ही बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो होता है बिट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम अपने कीबोर्ड से ए अल्फाबेट प्रेस करते हैं तो उस ए अल्फाबेट का कंप्यूटर के लिए कोई मीनिंग नहीं है, वो उसके लिए यूजलेस है, क्योंकि जो हमारा सीपीयू है वो ए अल्फाबेट को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो कि 0 और 1 से रिप्रेजेंट होती है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज। तो बिट क्या होती है, बिट वही 0 या 1 है जो उस वेरिएबल को हमारे सीपीयू में प्रेजेंट करते हैं। बिट इज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वलेंट टू द रिजल्ट ऑफ अ चॉइस बिटवीन ओनली टू पॉसिबल अल्टरनेटिव्स इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि 0 और 1। उसके बाद आता है बाइट। बाइट जो होता है वो 8 बिट से मिलकर बना होता है बाइट। ये बाइट क्या होता है, बिट जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि 0 है या 1 है, लेकिन हमारा जो बाइट है
हमारा जो बाइट है वो एक पूरे के पूरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब चाहे वो एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, अल्फाबेटिक कैरेक्टर है या न्यूमेरिक कैरेक्टर है, वो उसको एक सिंगल यूनिट इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, बाइट्स के बाद आता है अ बाइट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर विच कैन बी अ लेटर, अ नंबर, अ स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल और अ स्पेस। तो वो ए भी हो सकता है, वो नाइन भी हो सकता है, वो एट द रेट का साइन भी हो सकता है, या वो सिर्फ हमारे कीबोर्ड से दबाया हुआ स्पेस का बटन भी हो सकता है। यानी कि वो एक पूरे के पूरे अल्फाबेट को या एक पूरे के पूरे वेरिएबल को या एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है हमारा बाइट। सबसे पहले बिट और उसके बाद बाइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बाइनरी जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जैसे होते हैं जो कि हमारे सीपीयू को हमारे द्वारा दी गई कमांड को अंडरस्टैंड करने में, समझने में मदद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने कीबोर्ड से ए अल्फाबेट प्रेस करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जैसे हमारे सीपीयू में जाता है, और सीपीयू हमारे कंप्यूटर को, हमारे प्रोसेसिंग सिस्टम को ये समझाता है कि हमने अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस किया है। और वो कैसे समझाता है? वो समझाता है इन द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी कोड्स, बाइनरी कोड्स की लैंग्वेज में समझाता है। और हमें वो जो हमने ए अल्फाबेट प्रेस किया है वो हमें मॉनिटर पे एज अ आउटपुट नजर आ जाता है। तो हमें ये लगता है कि हमने ए अल्फाबेट प्रेस किया और वो मॉनिटर पे ए अल्फाबेट आ गया। लेकिन जो मीडिएटर में जो प्रोसेसिंग हो रही है, मीडिएटर में जो वर्क हो रहा है, वो बाइनरी कोड्स में हो रहा है इन द शेप ऑफ 0 एंड 1। अब आपने ये देखा कि, सॉरी यहां पे थोड़ी सी हमको करेक्शन करनी होगी, 8 बिट्स का, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, 8 8 बिट्स का एक बाइट बनता है। उसके बाद 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट बनता है, यानी कि केबी, किलोबाइट। उसके बाद 1024 किलोबाइट्स का 1 मेगाबाइट बनता है, यानी कि एमबी। और उसके बाद 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट बनता है, यानी कि जीबी। अब यहां तक जीबी तक तो हमें पता है कि हमारे जो हम कहते हैं कि हमने 8 जीबी का मेमोरी कार्ड लिया है, या 16 जीबी, 32 जीबी का मेमोरी कार्ड लिया है, या हमारे मोबाइल में 32 जीबी इंटरनल मेमोरी है, तो जीबी तक तो हम सबको पता है। लेकिन जीबी के आगे टीबी होता है। जैसे कि 1024 जीबी जब जहां पे हो जाते हैं तो वो 1 टेराबाइट बन जाता है टीबी। हमारी जो आजकल कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है, बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। हम एक छोटे से माइक्रोचिप में, एक मेमोरी कार्ड में, एक छोटे से मेमोरी कार्ड में हम 64 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं। जबकि शुरू शुरू में जो कंप्यूटर्स आए थे वो 8 MB, 10 MB, 12 MB, 20 MB डेटा स्टोर कर सकते थे। लेकिन आज हम जितना चाहे डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होता है, 1024 टेराबाइट का 1 हेक्साबाइट होता है, और मैनी मोर ये आगे चलते जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक्चुअली कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि हार्डवेयर कहलाते हैं। तो हार्डवेयर कहलाने में हमारे होते कौन कौन से पार्ट हैं एक कंप्यूटर में। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन होती है, एक मॉनिटर स्क्रीन होती है, जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को या कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करके दी गई आउटपुट को डिस्प्ले करने का काम करती है, हमें शो करने का काम करती है कि एक्चुअली वहां पे चल क्या रहा है। तो वो एक मॉनिटर स्क्रीन होती है जो कि आजकल तो मॉनिटर स्क्रीन आज बंद ही हो गई हैं, अब तो एलसीडी और एलईडी का जमाना है। तो मॉनिटर स्क्रीन होती है जो हमें आउटपुट प्रेजेंट करती है। उसके बाद होता है सिस्टम यूनिट। अब ये जो
सिस्टम यूनिट है, ये हार्ट है हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स का, हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे होते हैं, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान हैं और एक दिल है। अगर आंखें और कान नहीं भी चलते तो बंदा, जो आदमी है, वो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर दिल ही ना चले तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारा ये जो सिस्टम यूनिट है, ये इंसान के दिल के बराबर है। अगर ये बंद हो गया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो तो सिर्फ इनपुट को और आउटपुट को प्रेजेंट करने के लिए हैं, लेकिन जो आपके डेटा की प्रोसेसिंग होती है, जो आपके द्वारा दिए गए डेटा पे काम होता है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो सिस्टम यूनिट में परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद होता है कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस, जैसे कि हम जानते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेज हैं, कीबोर्ड से और माउस से हम अपना जो डेटा है वो हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। और होते हैं स्पीकर्स। स्पीकर्स जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेज हैं, जो हमें ऑडियो की जो आउटपुट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। और होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेज है कि हमारे द्वारा दिए गए किसी भी ऑडियो को ये कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक माइक्रोफोन के तहत, और ये उस माइक्रोफोन को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहा है। माइक्रोफोन से जो मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक हार्डवेयर के बारे में, एक कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक हार्डवेयर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है, अभी हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उस सिस्टम यूनिट को ही सीपीयू बोलते हैं, लेकिन वो सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू एक बहुत ही छोटा सा एक पार्ट होता है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ, एक पार्ट होता है सीपीयू, जिसे जो सारी जो प्रोसेसिंग है वो उसको करता है, जिसको हम पूरा का पूरा सीपीयू बोल देते हैं। एक्चुअली वो सिस्टम कैबिनेट होती है, सिस्टम यूनिट होता है, जिसमें सारे के सारे जो हमारे फंक्शन करने वाले जो हार्डवेयर्स हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, डीवीडी राइटर है, रैम है, सीपीयू फैन है, पावर सप्लाई है, और वो सब के सब उसमें अटैच होते हैं, उसमें फिट होते हैं, वो सिस्टम यूनिट होता है। अब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हमारे कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो अर्थमेटिक है, चाहे वो लॉजिकल है, जितनी भी प्रोसेसिंग है वो हमारे सीपीयू में होती है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हमारे जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सीपीयू में परफॉर्म होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि जो हमें काम दिया गया है सीपीयू को, जो कंप्यूटर को हमने इनपुट दी है, वो अर्थमेटिकल है, लॉजिकल है, या किस तरह का डेटा हमने उसको प्रोवाइड किया है कंप्यूटर को, और उसे प्रोसेस करके उसे किस तरह का इंफॉर्मेशन हमें जनरेट करके देना है। तो जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, और सारा का सारा जो काम है, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो सीपीयू के द्वारा ही किए जाते हैं। अब उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जाने कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। मेमोरी यूनिट होता है हमारा वो यूनिट जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है। अब चाहे तो वो टेम्परेरी स्टोर किया गया हो या परमानेंट स्टोर किया गया हो, लेकिन मेमोरी यूनिट हमारा वो यूनिट है जहां पे हमारे द्वारा दिया गया डेटा और उसका इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे स्टोर किया जाता है। अब दो तरह का मेमोरी होता है कंप्यूटर में। एक होता है रोम, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब इसे हम रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं? बेसिकली रोम जो होते हैं, रोम वो जो हमारे मदरबोर्ड में, रोम का जो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं,
रोम क्या होते हैं? रोम हमारे मदरबोर्ड में लगे हुए आईसी होते हैं। अब आईसी क्या होते हैं? इंटरग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो कि पहले से ही प्रोग्राम्ड होते हैं कि उनको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। चाहे कंप्यूटर में हम किसी तरह का भी इनपुट डालें अपनी तरफ से, लेकिन हर रोम का, हर आईसी का अपना एक फंक्शन है जो उनमें पहले से प्रोग्राम किया हुआ है कि उनको ये वाला जो फंक्शन है वो किसी तरह की भी इंस्ट्रक्शन के इनपुट होने पर उनको वो फंक्शन परफॉर्म करना है। और उनमें जो, जैसे है कि हम मेन एग्जांपल ले सकते हैं कि उनमें जो हमारा किसी मदरबोर्ड का बायोएस होता है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है रोम का, जो कि प्री इंस्टॉल्ड होता है। चाहे हमारे कंप्यूटर में हमारे मदरबोर्ड के साथ हमने हार्ड डिस्क अटैच की है नहीं की है, हमने विंडोज इंस्टॉल करी है नहीं करी है, लेकिन अगर हम अकेले मदरबोर्ड को ही हम ऑन करके देखें तो वो हमें जो हमारे कंप्यूटर पे सबसे पहली जो एक स्क्रीन फ्लैश होके आती है जिसमें क्या होता है कि एक मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर का नाम हमें शो होता है और एक हमको पूरा का पूरा डिटेल पेज शो होता है कि कौन कौन से साटा डिवाइसेज हैं जो आपके मदरबोर्ड के साथ अटैच हैं, कौन कौन से आईडी डिवाइसेज अटैच हैं, कौन कौन से यूएसबी डिवाइसेज अटैच हैं, या इसमें कितनी रैम है। तो वो सारा जो होता है वो आईसीज में पहले से ही प्रोग्राम्ड किया होता है, उसमें पहले से ही वो सारी जो प्रोग्रामिंग है वो उसमें मतलब प्री इंस्टॉल्ड होती है, जिसे जो कि सिर्फ रीड की जा सकती है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो इसीलिए उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी रोम। अब दूसरी जो मेमोरी होती है वो होती है रैम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी में क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने एक कोई भी इनपुट दिया अपने कंप्यूटर को, तो उसको परफॉर्म करने के लिए इन द परफॉर्मिंग प्रोसेस, जो एक हमारे रो डेटा की जो एक प्रोसेसिंग स्टेज है, नॉट द इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग स्टेज स्टेज जिसमें उस हमारे रो डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, तो उस प्रोसेसिंग स्टेज में जो हमारा डेटा होता है वो रैम पे स्टोर होता है। और हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो रैम है, वो जितनी ज्यादा होगी कंप्यूटर में, हमारा कंप्यूटर जो है वो उतना ही तेज काम करेगा, उतना ही वो जल्दी प्रोसेस करेगा हमारे द्वारा दी गई इनपुट्स को। अभी आप देखिए कि हमने अपने हार्ड ड्राइव से, अपने हार्डवेयर से एक डेटा सीपीयू को भेजा, वो हमारी रैम में गया, टेम्परेरी स्टोरेज में गया, और उसके बाद वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, मॉनिटर पे आ गया, हमको शो हो गया एज अ इंफॉर्मेशन। तो ये एक काम है हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी का। अभी हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला होता है कीबोर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कीबोर्ड ही नहीं है तो हम कैसे अपनी कमांड को सीपीयू तक भेजेंगे और कैसे वो उस पे वर्क करेगा। बेसिकली हर इनपुट डिवाइस जरूरी होती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक जॉयस्टिक होती है जो गेम्स खेलने के लिए यूज होती है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे मूवमेंट्स को कैप्चर करती है और उसी तरह से जो अंदर जो गेम है वो वर्क करता है। माइक्रोफोन है अभी जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो आवाज रिकॉर्ड हो रही है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे पिक्चर को कैप्चर करता है, हमें कैप्चर करता है, और हम जिससे बात कर रहे हैं इंटरनेट पे तो वो उनको हमारा जो पिक्चर है वो यहाँ से कैप्चर करके वहां पे वो पिक्चर प्रेजेंट होता है।
स्कैनर है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई पिक्चर है, उसको हम स्कैन करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस थे। अब जैसे कि हमारा सबसे पहला इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड, तो यहां पे मैं आपको कुछ कीबोर्ड्स के एग्जांपल दे रहा हूं कि कीबोर्ड्स किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला तो हमारा एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है जो हमने हर जगह पे देखा हुआ है, हर जगह पे हमारे पास एक नॉर्मल कीबोर्ड हर पर्सनल कंप्यूटर पे हमारे पास अटैच होता है। और भी बहुत तरह के कीबोर्ड्स होते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल कीबोर्ड्स होते हैं जिनकी डिजाइनिंग अलग होती है, पैटर्न्स अलग होते हैं, लेकिन जो हमारी कीबोर्ड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं या न्यूमेरिक्स हमारे जो कीज होते हैं वो सेम जगह पे होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। हमारे पास फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स होते हैं जिनको हम कैसे भी फ्लेक्स उनको हम मोड़ सकते हैं, उनको हम पैक करके जेब में डाल सकते हैं। तो ऐसे कई फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं जो जिनकी वायर नहीं होती, हमें एक जगह पे उसको लेके बैठा नहीं रहना होता, हम कहीं पे भी कंप्यूटर से दूर बैठ के भी हम उस कीबोर्ड से अपने सीपीयू को कमांड दे सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। पीडीए कीबोर्ड्स होते हैं जो हमारे मोबाइल्स पे कीबोर्ड्स होते हैं, बटन्स होते हैं, वो उस तरह के कीबोर्ड्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो कई तरह के ऐसे कीबोर्ड्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब माउस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। तो माउस किस तरह तरह के होते हैं? माउस एक्चुअली दो तरह के होते हैं जो बेसिक हम आपको समझा सकते हैं। बेसिकली दो तरह के माउस हमारे पास होते हैं जिसमें पहला जो माउस होता है वो मैकेनिकल माउस होता है। मैकेनिकल माउस कैसा होता है? मैकेनिकल माउस में माउस का जो सरफेस है उस पे एक छोटी सी बॉल लगी होती है, वो रबड़ की बॉल भी हो सकती है, मेटल की बॉल भी हो सकती है, एक बॉल लगी होती है जो कि हम जैसे ही माउस को मूव करते हैं तो वो बॉल अपनी जगह से मूव होती है और उस बॉल की मूवमेंट के साथ उस मूवमेंट को कंप्यूटर में कैप्चर किया जाता है। अब इनमें जो ये माउसेस, ऐसे माउसेस पहले आया करते थे तो इन माउसेस में बहुत सी दिक्कतें का सामना करना पड़ता, बॉल घिस जाती है या बॉल कभी कभी टूट जाती है, बाहर आ जाती है, माउस खुल जाता है, बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती हैं, बॉल फंस जाती है, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं करती है, एक जगह पे स्टैक हो जाती है। तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं ऐसे माउसेस में। इनको हम ऑप्टिकल जो हमारे दूसरे माउसेस हैं उन्होंने इसकी जो दिक्कतें हैं उनको रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारे माउसेस कैसे होते हैं? ये माउसेस ऐसे होते हैं कि इन माउसेस के सरफेस पे बॉल नहीं होती, इनमें एक लेजर बीम होती है, एक लेजर लाइट होती है। अब उसमें हमारी जो माउस की मूवमेंट है उसको कैप्चर करना बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है, क्योंकि अभी हमें बॉल के इधर उधर कभी स्टैक होने का या और सी जो भी हमारी दिक्कतें थी उसका सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये तो एक लाइट है। तो इस लाइट को हम कहीं भी रख के हमारा माउस यूज कर सकते हैं। ये एक बेसिकल लाइट है जो बहुत ही जल्दी और आसानी से हमारे मूवमेंट को कैप्चर कर लेती है। तो जो हमारे लेजर माउसेज होते हैं उनको हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि माउसेज जो हैं वो अटैच कैसे कैसे होते हैं पीसी से। देखिए, जो हमारे बॉल वाले माउसेज आते थे वो तो PS2 माउसेज ही आते थे। अब PS2 माउसेज कौन से होते हैं? PS2 माउसेज वो होते हैं जिनमें इस तरह का पोर्ट होता है। ये पोर्ट जो हमारी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का पोर्ट होता है, उन्हें हम PS2 माउसेज कहते हैं। तो वो जो माउसेज आते थे वो PS2 पोर्ट के साथ ही आते थे। अब इसमें PS2 पोर्ट में हमें क्या दिक्कत हो सकती है कि जब हम इसको अपने मदरबोर्ड में, अपने कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो पिन्स यहाँ पे शो हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो पिन्स शो हो रही हैं, ये पिन कई बार मुड़ जाती हैं, कई बार कोई पिन टूट जाती है, तो वो हमारा जो माउस है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि हर पिन की अपनी एक फंक्शनैलिटी है, हर पिन का अपना एक काम है। तो वो हमारा माउस जो है वो खराब हो जाता है।
दूसरे माउसेस हमारे पास आते हैं सीरियल माउसेस। सीरियल माउसेस आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो माउसेस होते हैं ये सीरियल माउसेस होते हैं। इनमें भी ज्यादातर काम तो पिंस का ही होता है, लेकिन ये हमारे PS2 माउसेस से थोड़ा बेहतर है। और तीसरे जो हमारे पास माउस हैं वो है USB माउसेस। USB माउसेस कौन से होते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का फुल फॉर्म होता है। USB माउसेस कैसे होते हैं? USB माउसेस होते हैं जैसा कि हमारा पेन ड्राइव का हमारा एक पॉइंट होता है जिसे हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हम पेन ड्राइव का फेस कह सकते हैं या पेन ड्राइव का इंसर्ट पॉइंट कह सकते हैं, तो वैसे हमारे USB माउसेस होते हैं। और हमारे पास आजकल जो है वायरलेस माउसेस भी अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल कॉर्डलेस होते हैं। उनका एक रिसीवर होता है कि रिसीविंग पॉइंट होता है, उसे आप अपने कंप्यूटर में अटैच कर दीजिए और उसके बाद आप उन वायरलेस माउसेस से कहीं भी बैठे अपने कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। इन माउसेस की जो सबसे बड़ी हमको बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होता है कि इनमें ना तो पिंस के मुड़ने और टूटने का खतरा रहता है, ना इनकी बॉल खराब होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल माउसेज हैं, ये लेजर बीम के साथ चलते हैं और इनका जो इंसर्टिंग पॉइंट होता है वो USB पॉइंट होता है, तो वो इजीली इंसर्ट हो जाता है और उसमें किसी भी तरह की पिन नहीं होती जिसके हमें हमें टूटने का कोई खतरा हो। अभी हमारे पास कुछ अन्य पॉइंटिंग डिवाइसेज होती हैं, कुछ अन्य ट्रैकिंग डिवाइसेज होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर में जो डेटा है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो डिवाइसेज कैसे होती? जैसे कि एक ट्रैक बॉल है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे कुछ ऐसे माउस पहले हमारे पास आते थे जिनके सरफेस पे एक बॉल लगी होती थी जो कि मूव करती थी, और उसके मूवमेंट के हिसाब से हमारे जो माउस का मूवमेंट है वो हमारे कंप्यूटर में कैप्चर किया जाता था। तो उसी के बेस पे हमारा जो ट्रैक बॉल है वो काम करता है। ट्रैक बॉल क्या है? वो ट्रैक हमारा जो ट्रैक बॉल है वो माउस के सरफेस पे नहीं होता, वो माउस के ऊपर होता है या किसी भी हमारे एक हैंडल के ऊपर होता है। तो जैसे ही हम उस बॉल को मूव करते हैं तो हमारा वो मूवमेंट हमारे कंप्यूटर में कैच किया जाता है। दूसरा होता है ट्रैक पॉइंट। आपने कोई ऐसा कीबोर्ड कई बार हम देखते हैं, स्पेशली इन लैपटॉप्स, कई लैपटॉप्स में ऐसे कीबोर्ड प्रोवाइड होते हैं जिनमें एक ट्रैक पॉइंट होता है। जैसे हमारे जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं उनमें आजकल तो टच पैड अवेलेबल है कि एक टच पैड होता है जिससे हम अपना माउस जो है वो मूव करते हैं, तो पहले के जो लैपटॉप्स होते थे उनमें एक ट्रैक पॉइंट होता था जिससे वो अपने माउस को मूव करते थे। चौथा होता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो सबको पता है, आजकल हर किसी के हाथ में टच स्क्रीन मोबाइल है, तो टच स्क्रीन को सबको पता है कि टच स्क्रीन से इनपुट कैसे की जाती है। हम किसी भी आइकन को टच करते हैं, किसी भी आइकन को हम छूते हैं तो वो हमारे उसकी इनपुट जो है वो हमारे सिस्टम में चली जाती है। उसके बाद होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉयस्टिक बेसिकली गेम्स खेलने के लिए होती है, तो जॉयस्टिक पे जो भी बटन होते हैं, जॉयस्टिक की जो भी मूवमेंट होती है उसके हिसाब से वो हमारी इनपुट हमारी गेम्स में जाती है। और वो जैसे कि हम एक रेसिंग गेम खेल रहे हैं जिसमें मान लीजिए कारों की रेस हो रही है, तो जैसे हम अपने जॉयस्टिक की मूवमेंट करते हैं तो हमारी जो कार है, हमारा जो व्हीकल है वो उसी दिशा में टर्न करता है, मुड़ जाता है। और बटन्स होते हैं जिनसे हम फायर करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो बेसिकली जो जॉयस्टिक है वो भी एक इनपुट डिवाइसेस है फॉर गेम्स। लाइट पेन्स होते हैं। लाइट पेन्स अभी जैसे हमारा हम सैमसंग के किसी भी मोबाइल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैमसंग में बहुत से ऐसे मोबाइल्स आते हैं या और भी कंपनीज में ऐसे कई मोबाइल्स आते हैं जिनके साथ हमें एक पेंसिल प्रोवाइड होती है, तो उस पेंसिल को जब हम स्क्रीन पे टच करते हैं और उससे हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम टच करते हैं और इनपुट करते हैं, तो हम ऐसे हमारे पास जो लाइट पेन्स हैं या और भी ऐसे हमारे पास कई ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो कि ज्यादा मेडिकली यूज होती हैं, जिनमें एक ऐसे कुछ पेन्स लगे होते हैं जिनसे वो अपनी डिवाइसेज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट करते हैं, तो ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइसेज होते हैं।
उसके बाद आता है हमारा स्कैनर्स। अब स्कैनर भी जैसे हमको पता है कि इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन स्कैनर कैसे कैसे होते हैं? बहुत तरह के स्कैनर्स होते हैं। एक तो देखिए कि नॉर्मल स्कैनर होते हैं जो हमारे पास कहीं भी अवेलेबल हैं, हमारी शॉप्स, हमारी स्टेशनरी शॉप्स पे, कैफेज में कई तरह के स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं, जिसपे हम नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट रखते हैं और उस डॉक्यूमेंट को वो स्कैन करके उसकी एक इमेज हमें कंप्यूटर में प्रोवाइड कर देता है। या जैसे हम अभी कई बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो वहां पे हम कोई एक चीज परचेज करते हैं तो हम देखते हैं कि वो उस चीज को एक बार कोड स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं, तो उस चीज की वो जो हमारी आइटम होती है वो कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाती है, और उसका वो पूरा डेटा जो उस आइटम का उस सॉफ्टवेयर में उस कंप्यूटर में फीड होता है वो निकल के बाहर आ जाता है कि ये जो आपकी आइटम्स है, ये आपने आपका अभी एक पीस बिक रहा है, आपके 100 पीस पड़े थे तो बैलेंस क्वांटिटी 99 रह गई, या इसका जो एमआरपी है वो इतना है, आपका जो परचेजिंग प्राइस है वो इतना है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो इतना है। तो उस आइटम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में फिल की हुई होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे शो हो जाती है। और भी बहुत तरह के स्कैनर्स हैं, जैसे कि अभी आप बैंक्स में जा सकते हैं तो बैंक में आप देखते हैं कि आप एटीएम अपना कार्ड वहां पे बैंक की मशीन में आप इंसर्ट करते हैं और आपका पूरा का पूरा ब्यौरा वहां पे आ जाता है कि ये जो अकाउंट है ये मान लीजिए ये श्री बालाजी कंप्यूटर्स के नाम पे है, ये एक सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, इसमें इतना बैलेंस है, आप अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, और भी बहुत से फंक्शंस आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो कई तरह के स्कैनर्स होते हैं जो आजकल हमको मार्केट में प्रोवाइड हैं। उसके बाद हमारी होती है इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस, सॉरी, हमारी जो ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम इमेज और वीडियो अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। आजकल तो हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो कैमरास हैं वो अवेलेबल हैं जो कि वायरलेस कैमरास भी हैं, या उनमें एक ऐसा मेमोरी कार्ड जो है वो इंसर्ट हो जाता है, 64 GB का, 128 GB का मेमोरी कार्ड इंसर्ट हो जाता है कि हम उस मेमोरी कार्ड में जितना चाहे हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उस रिकॉर्ड को वो एक इनपुट हो रहा है, वो रिकॉर्ड उस जो हमारा हम कैप्चर कर रहे हैं जो भी हमारे सीन्स हैं, ऑडियो हैं, मूवीज हैं, तो वो कैप्चर करके उसमें रिकॉर्ड हो रहा है और वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। अब उसमें हमारे पास डिजिटल कैमरास हैं, डिजिटल वीडियो कैमरास हैं, वीडियो रिकॉर्डर हैं, तो बहुत सी ऐसी इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। अब ये तो हो गई हमारी इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद बारी आती है आउटपुट डिवाइसेस की। अब आउटपुट डिवाइसेस, पहले तो हम ये समझें कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में इनपुट जाने के बाद और उस डेटा की प्रोसेसिंग होने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमको दिखाई जाती है, और जिस मीडियम से, जिस माध्यम से वो इंफॉर्मेशन हमको दिखाई जाती है वो आउटपुट डिवाइसेस होती है। अब जैसे कि मैंने अपने कीबोर्ड से ए अल्फाबेट प्रेस किया तो वो ए अल्फाबेट मेरे को मॉनिटर पे दिखाई देता है, तो मेरे लिए जो वो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो मेरे द्वारा हार्डवेयर से की गई एक इनपुट को मुझे विजुअल कर रहा है, मुझे शो कर रहा है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है मुझे कि आपने ए अल्फाबेट प्रेस किया और ये आपको वो विजिबल है, या आपने ए अल्फाबेट प्रेस किया वो मुझे ये शो कर रहा है कि आपने ए अल्फाबेट प्रेस किया। तो मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद ऑडियो स्पीकर्स हैं। अब जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं या अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे हम कोई भी मूवी देखते हैं, तो जो स्पीकर्स होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि वो हमारे जो कंप्यूटर हैं, हमारी हार्ड डिस्क है, उसमें स्टोर जो ऑडियो है, वीडियो है, उसकी जो ध्वनि है, आवाज है, वो हम तक पहुंचाते हैं, तो स्पीकर्स एक आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद प्रिंटर्स होते हैं। अब प्रिंटर्स एक आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल, हम प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सीए है, उसने एक उसका एक क्लाइंट है, उसका उसने सेल परचेज सब कुछ उसने अपने कंप्यूटर में एंटर कर लिया और उसकी एक बैलेंस शीट तैयार करके दे दी कि आपकी परचेजिंग वैल्यू ये है, आपकी जो सेलिंग वैल्यू है वो ये है,
आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो ये है, उसके बाद आपका जो नेट प्रॉफिट होता है वो ये है, और आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो ये है। तो उस चीज को हम एक पेपर पे निकाल सकते हैं अपने क्लाइंट को शो करने के लिए, क्योंकि हम अपना पूरा का पूरा कंप्यूटर उठा के तो उसके पास लेके नहीं जाएंगे। तो जो प्रिंटर्स हैं वो हमें एक हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं हमारे डेटा की, कि ये आपका डेटा है जो कि प्रेजेंटेबल है ऑन द पीस ऑफ पेपर। और प्रोजेक्टर्स होते हैं, अब प्रोजेक्टर्स भी एक आउटपुट डिवाइसेस हैं। हम अपने लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ किसी भी प्रोजेक्टर को अटैच करते हैं, और उसके बाद वो प्रोजेक्टर एक विजुअल स्क्रीन पे, चाहे वो एक वॉल है या एक पर्दा है, उस विजुअल स्क्रीन पे हमारी जो आउटपुट है वो उसको शो करता है। तो बेसिकली प्रोजेक्टर्स का फायदा क्या होता है कि हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, हमारी जो लैपटॉप की स्क्रीन है, वो थोड़ी छोटी होती है। लेकिन अगर हम किसी सेमिनार में हैं, किसी मीटिंग में हैं, या किसी ग्रुप डिस्कशन में हैं, जिसपे हम अपने एम्प्लॉयज की, अपने कलीग्स की, या अपने फ्रेंड्स की एक राय चाहते हैं, और हम उन सबको शो करना चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट को जो हमने बनाया है, हमारे प्रेजेंटेशन को जो हमने बनाई है, तो उस केस में प्रोजेक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं कि वो हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, जो हमारी लैपटॉप स्क्रीन है, उसको बड़ा करके एक पर्दे पे दिखाते हैं, जैसे कि हमारी पिक्चर्स भी चलती हैं आजकल वैसे ही। तो वो एक प्रोजेक्शन होता है कि वो हमारी जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन है उसको बड़ा करके दिखाते हैं, जिससे एक साथ कई लोग उसको देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइसेज है। ये थोड़ा लंबा हो गया। तो हम बात कर रहे थे मॉनिटर्स की। अब मॉनिटर्स कैसे कैसे होते हैं, देखिए, पहले तो होते हैं कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी मॉनिटर्स। ये जो मॉनिटर्स होते हैं, ये पुराने जमाने में आते थे। आजकल तो इन मॉनिटर्स को ये बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। ये आजकल तो ये मॉनिटर्स चलते ही नहीं हैं। ये एक्चुअली ये मॉनिटर्स जो होते थे, ये साइज में बहुत बड़े होते थे, बहुत जगह घेरते थे, बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, बहुत सी हीट प्रोड्यूस करते थे, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से अभी हमारे पास जो हैं, जो लेटेस्ट हमारे पास मॉनिटर्स हैं, जिसको हम एलईडी बोलते हैं या एलसीडी बोलते हैं, तो अभी हमारे पास जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, जो कि हमारे पास बहुत ही स्लिम कैटेगरी में होती है, एलसीडी होती है, जो कि मॉनिटर्स हैं उनकी, उनको रिप्लेस करके हमने एलसीडी ले आई है, जो मॉनिटर्स की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्लिम होती है, बहुत कम जगह घेरती है, कम लाइट कंज्यूम करती है, कम हीट प्रोड्यूस करती है, बेटर आउटपुट देती है, बेटर विजुअल हमको प्रोवाइड करती है। तो ये दो तरह के जो नॉर्मल मॉनिटर्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं इन मार्केट, मॉनिटर्स कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, और एलईडी भी है आजकल। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर्स की। अब प्रिंटर्स किस तरह के प्रिंटर्स होते हैं, देखिए, पहले तो होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स। अब इंपैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। देखिए, इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स होते हैं वो ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो बकायदा हमारे पेपर को टच करते हैं, हमारे पेपर पे एक फोर्सफुली हिट करते हैं किसी भी अल्फाबेट को प्रिंट करने के लिए। जैसे कि हमने देखा होगा कि पुराने जमाने में, या अभी भी आप किसी कचहरी वगैरह में चले जाइए, तो आपको वहां पे ऐसे टाइपराइटर्स मिल जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा आवाज करके चलते हैं, टक 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 टक, और उनमें एक ऐसी पिन्स लगी होती हैं जो कि पेपर पे हिट करती है, और वो अल्फाबेट जो है वो पेपर पे प्रिंट हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जो कि अपना एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं पेपर पे किसी भी अल्फाबेट को प्रिंट करने के लिए। दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैसे होते हैं, ये होते हैं लेजर प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर्स जो आज की डेट में बहुत ज्यादा यूजेबल हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एचपी के, कैनन के, सैमसंग के, ब्रदर के, बहुत से ऐसे बहुत सी कंपनीज के जो लेजर प्रिंटर हैं वो हमारे पास अभी मार्केट में अवेलेबल हैं।
तो ये लेजर प्रिंटर्स कैसे होते हैं? इनमें स्कैनर्स लगे होते हैं, इनमें कार्ट्रिजेस होती हैं, इनमें रोलर्स होते हैं, इनमें हीटर्स होते हैं। ये बेसिकली ये क्या करते हैं, ये पेपर पे इम्पैक्ट नहीं करते, ये पेपर पे हिट नहीं करते। बेसिकली इनमें स्कैनर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से एक जो हमारे आउटपुट की जो इमेज है वो टोनर पे जो उसकी कार्ट्रिज होती है प्रिंटर की, लेजर प्रिंटर की, उस पे वो स्कैनर की मदद से वो इमेज जो है वो क्रिएट होती है और फिर उसमें से एक इंक निकलती है जो उस पेपर पे उस इमेज को ड्रॉ करती है और उसके बाद उसमें एक हीटर लगा होता है जो उस इंक को आपके उस पेपर पे जो इमेज आपकी वहां पे प्रोड्यूस हुई है, वहां पे जो इंक इंक की एक इमेज बनी है आपके पेपर पे आपके डेटा की, वो हीटर उस इंक को क्या करता है, वो उसको पका देता है आपके उस पेपर पे और वो एक सॉलिड आउटपुट आपको प्रोवाइड होता है। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंट है, जो सबसे डिफरेंस है सॉरी, और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जो लेजर प्रिंटर्स हैं, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट हैं और बहुत ज्यादा क्लीन आउटपुट जो हमें एक पीस ऑफ पेपर पे हमें मिलती है, हमें प्रोवाइड होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, कई कई सारे ऐसे इंक जेट प्रिंटर्स भी हैं जो इम्पैक्ट करके उसपे हमारे पेपर पे जो डिस्प्ले है उसको वो प्रिंट करते हैं, और दूसरे जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो लेजर प्रिंटर्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी इम्पैक्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी हमारे पेपर के साथ उनका कोई डायरेक्ट हिट कनेक्शन नहीं होता, जस्ट एक इमेज वहां पे क्रिएट होती है स्कैनर की मदद से और वो उस पेपर पे प्रिंट होके बाहर आ जाती है। तो ये थे हमारे प्रिंटर्स। अब उसके बाद बारी आती है हमारी सेकेंडरी डिवाइसेस की। तो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारी प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो तो रैम हो गई और रोम हो गई जो कि टेम्परेरी मेमोरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी है और जो रोम है वो प्री डिफाइंड मेमोरी है जो कि रीड ओनली मेमोरी है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज की। ये वो डिवाइसेज हैं जिसमें हमारा जो डेटा है और उस जो इंफॉर्मेशन है जो हमें डेटा की प्रोसेसिंग होने के बाद हमें प्रोवाइड की जाती है वो परमानेंटली स्टोर होती है हमारी इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में, ताकि हम उनको इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सके। इनफैक्ट अगर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, अपने कंप्यूटर को आप पावर ऑफ कर देते हैं, तब भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में जो डेटा स्टोर हो जाता है वो इरेज नहीं होता। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज का और यही इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बनाता है हमारे कंप्यूटर के लिए कि हमने जो काम किया है, जो इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर ने हमको प्रोवाइड की है, तो हम उसको स्टोर कर सकें फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो तो आज के टाइम में हम ऐसी बहुत सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिनको हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारी डिवाइसेज हैं वो हैं फ्लॉपी डिस्क होती है हमारी जो बहुत कम डेटा जो है वो स्टोर कर पाती थी पहले, ये पुराने कंप्यूटर्स में आती थी फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद सीडी रोम्स होते हैं जो कि एक सीडी होती है जो कि 655 MB या 700 MB तक का डेटा वो स्टोर कर सकती है। आजकल के हमारे मेमोरी कार्ड्स हैं जो कि 2 GB, 4 GB, 8 GB, 32 GB, 64 GB और इससे भी बड़े मेमोरी कार्ड्स हैं जो डेटा स्टोर कर सकते हैं, और हमारी हार्ड डिस्क जो कि हमारे जो कंप्यूटर है उसका स्टमक है, पेट है, कि जो भी उसको भोजन दिया गया वो वहां पे स्टोर हो जाता है हार्ड डिस्क। तो ये मेमोरी में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल तो गीगाबाइट और टेराबाइट और हेक्साबाइट तक की मेमोरी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, तो ये बहुत बड़ी हो सकती है साइज में।
तो ये सब हमारे जो हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिनमें हम अपना जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो है वो फ्लॉपी डिस्क होती है जो कि पुराने कंप्यूटर्स में आती थी। अब ये फ्लॉपी डिस्क जो है ये अगर तो हम बहुत ज्यादा पुरानी फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो वो ऐसी फ्लॉपी डिस्क होती थी कि जो पहले तो कॉमनली यूज नहीं होती थी। उसके बाद अगर हमको डेटा को एक तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात हुई, जैसे कि जब हमारा हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा इंटरनेट भी नहीं होता था तो एक जो डेटा है वो हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, तो ये फ्लॉपी डिस्क जो है ये इनका जो जन्म हुआ, इनका जो आविष्कार हुआ और ये मार्केट में आई। लेकिन तब ये बहुत ही ज्यादा कम वैल्यू स्टोर कर सकती थी किसी भी डेटा की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो बहुत पुरानी फ्लॉपी डिस्क होती थी वो सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि 1.5 MB डेटा स्टोर कर सकती थी, जो कि 3.5 इंच के डायमीटर के साथ बनी होती थी वो फ्लॉपी डिस्क, और वो इतना ही डेटा स्टोर कर सकती थी। उसके बाद की जो हमारी फ्लॉपी डिस्क आई उनका डायमीटर तो सेम था पुरानी फ्लॉपी डिस्क की तरह, लेकिन ये उस पुरानी वाली फ्लॉपी डिस्क से थोड़ा ज्यादा जो डेटा है वो स्टोर कर सकती थी, मतलब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ गई थी। उसके बाद बात करते हैं हमारी हार्ड डिस्क की, जो हमारे पास अभी एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको हर रोज यूज करते हैं। ये जो हमारे मेमोरी कार्ड्स हैं, जो पेन ड्राइव्स हैं, ये भी हार्ड डिस्क की तरह ही हैं, लेकिन ये इनको हम मिनी हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। अब हमारी जो हार्ड डिस्क है वो बहुत ही ज्यादा प्लेटर से बनी होती है, एक मेटल मटेरियल होता है जिसपे जो हमारा जो डेटा है वो लेयर्स की शक्ल में स्टोर होता है। तो ये तो एक अगर हम हार्ड डिस्क को समझने बैठेंगे तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। बेसिकली हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं कि ये जो हमारी हार्ड डिस्क है ये हमारी फ्लॉपी डिस्क से कहीं ज्यादा अमाउंट में जो डेटा है वो स्टोर कर सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो उसका आविष्कार कैसे हुआ और कैसे कैसे वो बढ़ती चली गई। 1980 में जो हार्ड डिस्क थी वो सिर्फ 10 MB डेटा स्टोर कर सकती थी, फिर 1990 में हार्ड डिस्क आई जो 600 MB डेटा स्टोर कर सकती थी, फिर 4.5 GB, फिर 180 GB, फिर 400 GB, फिर 500 GB, फिर 1024 GB यानी कि 1 TB, और उसके बाद अभी 2 TB की हार्ड डिस्क भी है और उससे ज्यादा की हार्ड डिस्क भी हैं जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, हमारे सर्वर्स हैं, तो उनमें वो यूज होती है। तो जो हमारी हार्ड डिस्क है वो सबसे एक मेन ऑप्शन है हमारे पास हमारे डेटा को स्टोर करने का। दूसरी जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको मतलब हम ऑप्शनल स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि सीडीज। अब ये सीडीज क्या होती हैं? सीडी क्या होती है एक्चुअली? सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। अब सीडी होती क्या है और ये कहाँ पे यूज होती है? देखिए आजकल की जमाने में जो सीडी है वो बेसिकली यूज होती है, जैसे अगर हम उसका कमर्शियल यूज की बात करें तो सबसे पहले वो जो सीडी हमारी यूज होती है, हमने एक नया जो कंप्यूटर है वो हमने बाय किया और सबसे पहले हम सीडी कब यूज करते हैं? हम जब उस कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं और विंडो इंस्टॉल करने के बाद हमें उस कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनके साथ हमें काम करने में आसानी करते हैं। ड्राइवर्स के ऊपर हम एक और वीडियो पब्लिश करेंगे जो कि फ्यूचर में आपको प्रोवाइड होगी और आप उससे ड्राइवर्स की पूरी रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो ये है कि सीडीज हम सबसे पहले कब यूज करते हैं? सीडीज हम सबसे पहले तो हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, उसके बाद सॉफ्टवेयर आते हैं, सीडीज में सॉफ्टवेयर आते हैं,
एंटीवायरस की सीडीज आती हैं, या मार्केट में MP3 सीडीज हैं, ऑडियो सीडीज हैं, और बहुत सी ऐसी जगह पे हमारी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो यूज होती है, मल्टीमीडिया कॉम्पैक्ट डिस्क यूज होती है। लेकिन इनकी जो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ये 700 MB तक का डेटा, जो 700 MB तक का जो डेटा है वो स्टोर कर सकती हैं, उसके ऊपर का डेटा ये स्टोर नहीं कर सकती हैं। उसके बाद आज की अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास किस किस तरह की जो सीडीज हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं सबसे तो नीचे से शुरू करूंगा। सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी कि सीडीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडीज हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, जो सबसे पहले तो होती है, अब आप ये भी समझ लीजिए कि सीडी किस किस तरह की होती है। सबसे पहले तो सीडी आर होती है। अब ये आर क्या है? आर स्टैंड फॉर राइट वंस ओनली। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सीडी, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक एंटीवायरस की सीडी हमारे पास है। अब वो सीडी हम परचेज करके लेके आए और उसमें पहले से एक एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है वो सीडी में लोड किया हुआ है, और ये जो सीडी होती है ये मैक्सिमम 650 MB तक का डेटा अपने में स्टोर कर सकती है। और इसको हम दोबारा से, जो इसमें एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर पीछे से लोड होके आया है, प्री लोड होके आया है, ऐसा नहीं है कि हम उस सॉफ्टवेयर को इसमें से डिलीट कर सकते हैं और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसी सीडीज नहीं होती हैं, इनमें हम एक ही बार कोई भी चीज राइट कर सकते हैं और उसके बाद उसे इरेज नहीं किया जा सकता। दूसरी जो सीडीज होती हैं वो होती हैं CDRW। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम CDR जो हम कह सकते हैं वो हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, कि उसमें जो एक बार डेटा जो स्टोर हो गया उसको हम रीड ही कर सकते हैं, उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं, उस पे हम दोबारा कोई भी दूसरा डेटा लोड नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास आता है CDRW, तो इसे हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। ये ऐसी सीडीज होती हैं कि जिनमें हम डेटा रीड भी कर सकते हैं और जो प्री लोडेड डेटा जो हमारे पास आया है लोड होके, जैसे अगर कोई एंटीवायरस की ऐसी हमारे पास सीडी आई है लोड होके, तो हम उसमें से वो एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है उसे हम इरेज करके उसमें कोई दूसरा जो डेटा है वो लोड कर सकते हैं। तो ऐसी जो सीडीज होती हैं वो रीराइटेबल सीडीज होती हैं, कि उनमें हम जितनी बार चाहें वो डेटा डिलीट करके स्टोर कर सकते हैं, एज लाइक आर पेन ड्राइव्स। उसके बाद आती हैं डीवीडीज। अब डीवीडीज और सीडी में क्या फर्क है? डीवीडीज जो होती हैं वो ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकती हैं, मोर अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे कि एक जो डीवीडी होती है वो 4 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है, जैसे कि सीडी जो है वो 700 MB स्टोर कर सकती है, 700 MB। लेकिन जो एक डीवीडी है वो 4 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। तो ये जो डीवीडीज हैं ये भी सेम कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि डीवीडी रीड ओनली और डीवीडी रीराइटेबल, जिसमें कि जो डेटा है हम दोबारा से राइट कर सकते हैं, और डीवीडी आर में जो डेटा है वो दोबारा से राइट नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो हमारी जो लेटेस्ट डिस्क आई हैं वो है ब्लू रे डिस्क, और ये जो ब्लू रे डिस्क है ये डीवीडी से भी मोर अमाउंट ऑफ डेटा अपने में स्टोर कर सकती हैं, मोर अमाउंट ऑफ डेटा ये कंटेन करके रख सकती हैं। अभी आप इसका एक ब्रीफ जो समराइज्ड एक जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं कि हमारे पास सीडी रोम होता है, ऑप्टिकल ड्राइव्स सॉरी, ये हैं हमारे पास जो कि हमारी सीडी और डीवीडीज को रीड और राइट करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सीडी रोम होता है जो कि
एक ऐसा हमारे पास सीडी राइटर है, एक ऐसा हमारे पास माध्यम है जिससे हम किसी भी सीडी को सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम इसे राइट नहीं कर सकते। हम जैसे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं विंडो के जो बर्निंग रोम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या हमारे पास जो नैरो का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जिसकी सहायता से हम सीडी बर्न कर सकते हैं, हम अपनी सीडी में डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक ऐसा ऑप्टिकल ड्राइव होना चाहिए, एक ऐसा हमारे पास राइटर होना चाहिए कि जो हमारी सीडी पर लेजर की मदद से उस डेटा को स्टोर कर सके, उसे बर्न कर सके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिर्फ सीडी रोम्स होते हैं जिनसे कि सिर्फ हमारी जो सीडी है उसे रीड किया जा सकता है, उस पर कोई भी डेटा राइट नहीं किया जा सकता। दूसरे हमारे जो होते हैं वो सीडी राइटर्स होते हैं जिसपे हमारे सीडी को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है उस डेटा को। और इससे हम क्या है कि किसी भी सीडी को हम एक नए डेटा के साथ बर्न कर सकते हैं, एक नया डेटा अपनी सीडी पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे रीराइटेबल सीडीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं डीवीडीज। अब डीवीडी क्या होती है, जैसे कि हमारा सीडी ड्राइव होता है ऐसे ही हमारे पास डीवीडी ड्राइव होता है। जो बेसिकल डीवीडी ड्राइव हमारे पास होता है वो क्या कर सकता है कि वो हमारी सीडी को तो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, लेकिन जो हमारी डीवीडी है वो उसे सिर्फ राइट कर सकता है, सॉरी रीड कर सकता है, उस पर वो राइट नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस है एक सीडी ड्राइव में और एक डीवीडी ड्राइव में। उसके बाद हमारे पास आते हैं डीवीडी राइटर्स। अब ये डीवीडी राइटर्स जो हैं ये सबसे कमाल के होते हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में आप किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी लैपटॉप में अगर आप देखेंगे तो डीवीडी राइटर्स ही यूज होते हैं, जो कि आपकी किसी भी तरह की सीडी को या डीवीडी को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। जैसे कि हमने आपको पहले ही इसके बारे में बताया है कि हार्ड डिस्क और सीडी डीवीडी से अलग में हमारे पास ऐसी और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, जिसकी मदद से हम डेटा जो है उसे स्टोर कर सकते हैं। वो है हमारे पास मेमोरी कार्ड्स एंड पेन ड्राइव। तो ये जो है ये हमारे पास फ्लैश कार्ड्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, पेन ड्राइव हैं, जिससे हम जो डेटा है वो स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। ये अदर सेकेंडरी डिवाइसेस में आ जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक सिस्टम को बनाने के लिए, मैं ये कहूंगा कि एक जो हमारा पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम है उसे बनाने के लिए जो हमारे पास सामान है जो यूज होता है, तो वो कौन-कौन सा सामान है, यहाँ पे मैं 1 मिनट का ब्रेक चाहूंगा आपसे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे सिस्टम को बनाने के लिए कौन-कौन से जो पार्ट्स हैं जो यूज होते हैं, तो उन पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पूरा का पूरा सिस्टम असेंबल करने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत होती है। देखिए, सबसे पहले हमें जरूरत होती है एक केसिंग की। अब ये केसिंग क्या होती है, जैसे कि हम मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, जनरली हम जो हमारा एक कैबिनेट है हम उसे बोल देते हैं सीपीयू, लेकिन वो सीपीयू नहीं होता। सीपीयू उसके अंदर मदरबोर्ड पे लगा हुआ एक मेन पार्ट होता है जो हमारे कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, लेकिन जो हमारा जो बाहर का वो एक केस होता है वो कैबिनेट होती है हमारी, उसे हम केसिंग कहते हैं या कवर कहते हैं। अब उस केसिंग में क्या क्या चीजें फिट होती हैं, पावर सप्लाई जो हमारे कंप्यूटर को
कंप्यूटर के हर पार्ट को, हर भाग को पावर सप्लाई करता है, पावर आगे भेजता है, चाहे वो मदरबोर्ड है, हमारे डीवीडी राइटर्स हैं, हमारी हार्ड डिस्क है, या हमारा मेन मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड का फैन है, तो वो पावर सप्लाई हमारे पूरे सिस्टम को जो है वो पावर देने का काम करता है। उसके बाद मदरबोर्ड है, जो मेन बोर्ड होता है हमारे सिस्टम का, जिस पे सारी जो डिवाइसेज हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी राइटर है, सब हमारे उस मेन बोर्ड पे अटैच होता है। माइक्रो प्रोसेसर्स है, हमारी मेमोरी है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, वीडियो कार्ड्स हैं, वीडियो कार्ड हम उस पे लगा अपने जो सिस्टम है वहाँ पे हम लगा सकते हैं वीडियो कार्ड, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा अच्छी जो ग्राफिक्स हैं, जो वीडियो है वो हमें प्रोवाइड हो सकती है। साउंड कार्ड है, जो हमारे हमें जो साउंड है उसका आउटपुट करने में सहायता करता है। फ्लॉपी डिस्क है, हमारी हार्ड ड्राइव है, हमारी रैम है, हमारे सीडी रोम्स हैं, मॉडम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको एक सिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। अभी देखिए जो केसिंग क्या होता है, जो केसिंग होता है वो इस तरह का एक कैबिनेट होता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। तो ये हम एक नॉर्मल भाषा में हम इसे सीपीयू बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में ये एक कैबिनेट है, एक बॉक्स है, जिसमें कि हमारे जो कंप्यूटर के जो मेन सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है, डीवीडी राइटर है, सीडी राइटर है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, तो वो हमारे इसमें फिट होते हैं। तो ये होता है हमारा केसिंग और कवर, और ये हमारे सभी जो सर्किट्स हैं ये उनको कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज करके रखता है, और उनको उनकी मतलब कूलिंग का पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि इसमें कई तरह के ऐसे फैंस लगे होते हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड को, हमारे प्रोसेसर को कूल रखने में मदद करते हैं, ठंडा रखने में मदद करते हैं। उसके बाद हमारी होती है ये पावर सप्लाई। अब ये पावर सप्लाई क्या होती है? पावर सप्लाई जो होती है इसका काम होता है हमारे पूरे कंप्यूटर में पावर को भेजना। अब ये पावर को भेजती है हमारे मदरबोर्ड को, हमारे हार्ड डिस्क को, हमारे डीवीडी राइटर को, इसमें ऐसे कई पोर्ट्स लगे होते हैं जिनकी मदद से जो पावर है वो हमारे पूरे कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारे मदरबोर्ड को होता है, मदरबोर्ड का कनेक्टर होता है, इसमें डिस्क ड्राइव का कनेक्टर होता है, पावर सप्लाई का फैन होता है, पावर स्विच होता है ऑन ऑफ का, इनपुट वोल्टेज सिलेक्टर होता है, कवर होता है, और कई तरह के प्लग्स होते हैं। तो ये होती है हमारी पावर सप्लाई, जो पूरे के पूरे जो हमारा कैबिनेट में जो भी चीजें लगी होती हैं उन सबको ये पावर जो उनमें है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद होता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारा एक मेन ग्रीन कलर का बोर्ड होता है हमारे सिस्टम का, जिससे जितने भी इनपुट डिवाइसेज हैं और आउटपुट डिवाइसेज हैं वो अटैच रहते हैं। अब मदरबोर्ड होता क्या है? मदरबोर्ड बेसिकली देखिए एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके ऊपर प्रोसेसर अटैच होता है, और ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया बोर्ड है जो सारी की सारी कमांड्स को, सारे के सारे फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कौन सा फंक्शन इनपुट से आया और कौन सा आउटपुट को जाएगा और कहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, कहाँ पे स्टोर होगा। ये बेसिकली हमारे जो मदरबोर्ड है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है, इसका ये मेन काम है। और इसके ऊपर जो सारे जैसे मैंने आपको बताया जो रोम्स होते हैं, आईसीज होते हैं, हमारे जो सर्किटरी सारी जितनी भी होती है ये मदरबोर्ड पे अटैच होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं, प्रोसेसर्स लगे होते हैं, इसमें मेमोरी लगी होती है, जैसे कि रैम मैंने आपको बताया टेम्परेरी मेमोरी होती है, या इसमें रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं, बायोस इसमें स्टोर होता है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कि इनपुट और आउटपुट से कवर करता है, एक्सटेंशन लोड्स होते हैं, इंटरकनेक्टिंग सर्किटरी होती है जो कि सारी जो हमारी डिवाइसेस हमारे मदरबोर्ड के साथ आप देख सकते हैं कि अटैच होती हैं, उनको इंटरकनेक्टेड करके रखती है, एक एक डिवाइसेस से आई हुई जो सिग्नल है वो दूसरी डिवाइसेस तक पहुंचता है।
तो ये हमारा एक बेसिक मदरबोर्ड होता है जिसमें बहुत तरह के स्लोट्स होते हैं। PS2 स्लोट्स है, USB स्लोट्स है, पैरेलल स्लोट है, ऑडियो स्लोट्स हैं, यहाँ पे PCI स्लोट्स होते हैं। ये वो स्लोट्स होते हैं जहाँ पे हम अपना एक्सटर्नल साउंड कार्ड, एक्सटर्नल वीडियो कार्ड, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड जो है हमारा वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारे ID स्लोट्स हैं जहाँ पे हम अपनी जो ID डिवाइसेस होती हैं उनको अटैच कर सकते हैं। पावर स्लोट है, ये हमारा BIOS की चिप है हमारी, ये हमारा CMOS सेल का स्लोट है, और बहुत से ऐसे स्लोट्स हैं जिनमें हम, ये हमारे रैम के स्लोट्स हैं जिनमें हम अपनी जो रैम है वो लगाते हैं। तो बहुत ऐसे स्लोट्स हैं जो हमारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं। अब ये हमारे एक्सपेंशन स्लोट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक्सपेंशन स्लोट्स, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि ये वो स्लोट्स होते हैं जिसमें हम अपने, अगर हमको कभी एक्सटर्नल वीडियो कार्ड की, ग्राफिक कार्ड की, एक्सटर्नल साउंड कार्ड की, एक्सटर्नल लैंड कार्ड की, या एक्सटर्नल कोई भी ऐसा, देखिए ये सारी सुविधाएं जो वीडियो की होती हैं, ऑडियो की होती हैं, अपना लैन की होती हैं, ये सारी सुविधाएं हमको मदरबोर्ड में जो है अवेलेबल होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे मदरबोर्ड का, मान लीजिए कि जो लैन फंक्शनिंग है वो खराब हो गया, लैन का जो पोर्ट है वो खराब हो गया, तो हमारे पास जो मदरबोर्ड में एक PCI स्लॉट ऐसा होता है, अवेलेबल होता है, जिसमें हम एक्सटर्नल लैन कार्ड जो है हम वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे जो एक्सपेंशनल स्लॉट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास मदरबोर्ड में कई ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिनमें हम अपने अलग अलग जो डिवाइसेज हैं हम उनको अटैच कर सकते हैं। जैसे कि सीरियल पोर्ट्स होते हैं जो माउस, कीबोर्ड, मॉडेम वगैरह हम उनमें अटैच कर सकते हैं, जो कि PS2 माउस जैसे हम, जैसे कि हमने आपको दिखाया था, तो वो वहां पे स्टोर होता है। उसके बाद पैरेलल पोर्ट्स होते हैं जिनमें हम अपने प्रिंटर अटैच कर सकते हैं। USB पोर्ट्स होते हैं जिनमें हम हमारा पेन ड्राइव, हमारा कार्ड रीडर, हमारा कीबोर्ड, माउस कुछ भी अटैच कर सकते हैं। और हमारे फायर वायर पोर्ट्स होते हैं जो USB से भी तेज होते हैं, और इनमें भी हम डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि ये PS2 स्लॉट है कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, ये USB स्लॉट है, ये ईथरनेट केबल का स्लॉट है जिसको हम लैन स्लॉट भी बोल सकते हैं, ये सीरियल पोर्ट है, यहाँ पे आप मॉडम्स वगैरह अटैच कर सकते हैं, ये LPT पोर्ट है, पैरलर पोर्ट है जहाँ पे आप प्रिंटर्स अटैच कर सकते हैं, ये VGA पोर्ट है जहाँ पे आपका LCD या मॉनिटर जो है वो अटैच होता है, ये आपके साउंड पोर्ट्स हैं जहाँ पे आपका जो माइक है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है वो अटैच होता है, और ये आपका जो जॉयस्टिक का पोर्ट है जहाँ पे आप जॉयस्टिक अपनी अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात हो गई हमारे हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे कंप्यूटर के, एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और हार्डवेयर की फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे उनको पावर सप्लाई होती है, कैसे सब कुछ होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपलवेयर। तो उसमें से हार्डवेयर का हमको पता लग गया, अभी हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को बेसिकली ये बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। जैसे कि हमने आपको पहले भी एग्जांपल एक बताई थी कि अगर मान लीजिए हमें 2 प्लस 2 की एक हमें कमांड जो है वो ऑपरेट करनी है, हमें 2 प्लस 2 का एक रिजल्ट चाहिए, तो उसे हम दो तरीके से हमारे कंप्यूटर में कर सकते हैं कि हम या तो एक्सेसरीज में जाकर अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम अपनी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है उसे ओपन कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट जब हम ओपन करते हैं, इट इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, वेरी ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर जो अकाउंटेंसी के लिए आजकल हमारे हर ऑफिस में यूज होता है, हर कॉलेज में यूज होता है, हर स्कूल में यूज होता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है जो यूज ना होता हो। तो इट इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। तो
अब हम सॉफ्टवेयर में जब टाइप करते हैं 2+2, तो वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन पहुंचाता है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि जो डेटा आपके यूजर ने इनपुट किया है, आपको उस डेटा के साथ करना क्या है, उस पे आपको क्या जो ऑपरेट करना है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, उस पे आपने क्या एक्शन लेना है उस डेटा पे जो यूजर ने आपको इनपुट दिया है, तो वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये इंटेंजिबल होते हैं, हम इनको टच नहीं कर सकते, इनको छूकर फील नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर ओनली प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, अपना GUI सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकें। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको हम अपडेट भी कर सकते हैं, इनको हम इनके नए नए वर्जन जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते रहते हैं। बेसिकली अब हम ये जानेंगे कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास। देखिए, सॉफ्टवेयर्स बेसिकली जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, एक तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। आइए अब हम इनको ब्रीफ में जानते हैं कि सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन-कौन से होते हैं। अब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की कुछ ब्रीफ डिस्कशन है जिसे हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। देखिए, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें iOS के साथ या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा विंडोज, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो हमें प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जो पीछे से हमको प्रोवाइड होते हैं, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बिल्कुल ही कॉमन सॉफ्टवेयर जो हमें प्री लोडेड जो हमें हमारे सिस्टम से प्रोवाइड होता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें प्रोवाइड होता है, जो हम रेगुलरली यूज भी करते हैं, वो है विंडो मीडिया प्लेयर। विंडो मीडिया प्लेयर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रेगुलर बेसिस पे हमारे यूज में आता है, हम उसको डेली यूज करते हैं। देखिए, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और हमारे हार्डवेयर और पीपल वेयर में एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें, कंप्यूटर को हम बता सकें कि हमें क्या करना है, हम आपसे कैसी आउटपुट चाहते हैं, हम कैसी इनपुट आपको दे रहे हैं, तो वो हम पीपल वेयर और हार्डवेयर में एक इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं। दूसरा होता है यूटिलिटी परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। देखिए, यूटिलिटीज होती हैं कंप्यूटर में। यूटिलिटीज कैसे होती हैं कि जो एक स्पेसिफिक हमें कोई टास्क, मान लीजिए कंप्यूटर में हमको यूज करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता कि ट्यूनअप यूटिलिटीज होती हैं। ट्यूनअप यूटिलिटीज कैसे होती हैं, ये थोड़ा इसका जो अगर हम टॉपिक टच करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये और ब्रीफ में चले जाएगा, इसको हमको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यूटिलिटीज में देखिए डिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, ये बहुत सी यूटिलिटीज होती हैं। तो ये बेसिकली हम आपको सिर्फ यही बताना चाहेंगे अभी फिलहाल की वीडियो में कि ये जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री लोडेड हमको प्रोवाइड होते हैं, जिसमें कि आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे डिवाइस ड्राइवर्स भी इंक्लूड होते हैं। कभी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कई कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिन पे हमें बाहर से ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की, एक्सटर्नल CD से या DVD से हमको जो ड्राइवर्स है वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्री बिल्ट उनमें ड्राइवर्स होते हैं जो कई सिस्टम के साथ पूरी तरह से मैच हो जाते हैं और वो वहीं से उन ड्राइवर्स को कैप्चर कर लेता है। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे विंडो XP है, विंडो 7 है,
या हमारे एंटीवायरसेस हैं वो भी कई बार हमको प्रीलोडेड प्रोवाइड हो जाते हैं, तो ये भी हम इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। अब ये जो एंटीवायरस है ये है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि ये वायरस को स्कैन करने के काम आता है, सिस्टम को स्कैन करने के काम आता है। इसकी टोटल जो फंक्शनैलिटी होती है किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, वो सिस्टम से रिलेटेड ही होती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में हम ऑडियो प्ले नहीं कर सकते, वीडियो प्ले नहीं कर सकते, इसकी जितनी भी प्रोसेसिंग है, जितनी भी फंक्शनैलिटी है, वो सिर्फ सिस्टम से रिलेटेड है। ये जैसे हमने आपको बताया कि जो एक्सपी है हमारा, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 7 है, तो ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। बेसिकली ये हमारे बीच में एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं हमारे और हमारे हार्डवेयर के बीच में, कि हमें उसको काम करने में, उसको इंस्ट्रक्शंस देने में आसानी होती है। रनिंग एप्लीकेशंस हैं ये। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग में नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रुक जाएगा, तो उससे हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कि अब मान लीजिए हमारा विंडोज 7 है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही रुक गया तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये ऑल टाइम रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं, कि ये हमेशा रनिंग में ही रहती हैं। अगर हमारा एंटीवायरस है तो वो भी 24 आवर्स वर्किंग में रहता है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तो वो रनिंग में ही रहता है, ताकि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस जो है वो एंटर ना कर पाए। तो ये 24 आवर्स रनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब उसके बाद जो हमारे सेकेंड काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक एग्जैक्ट कंप्यूटर को बताते हैं कि जो भी हमारी तरफ से इनपुट हुई है, उस इनपुट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, किस तरह का वर्क आपको दिया गया है और उस वर्क को आपने किस तरह से पूरा करना है। ये ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे मेन हमारा जो वर्किंग है वो होती है। ये बेसिक एप्लीकेशन होते हैं जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जगह पे यूज होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो ये हमारी जो आजकल की रोज की हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें ये हर जगह ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे यूज होता है। हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज होते हैं, पढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, आपने रिज्यूम बनाना है, आपने किसी को प्रेजेंटेशन बना के देनी है, तो ये सॉफ्टवेयर उसमें यूज होते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनको क्यों बोला जाता है, कि देखिए इन सॉफ्टवेयर्स को हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होने ही होने चाहिए। अगर आपको इनकी जरूरत है तो आप इनको अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो आप इनको अपने कंप्यूटर से डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो आपके कंप्यूटर में आपको रखना ही पड़ेगा। उसके बिना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वही चलना बंद हो जाएगा, अगर वही करप्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर लें और अपना जो कंप्यूटर है वो रन कर लें। तो वो तो हमको रखना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अभी हम आपको ये बताते हैं कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। देखिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे होते हैं जीयूआई सिस्टम्स। जीयूआई सिस्टम्स कौन से होते हैं? जीयूआई सिस्टम्स होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम। आइए पहले हम आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारा यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये हमारे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो कि नॉर्मली हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज नहीं होते हैं। ये बेसिकली ये क्यों यूज नहीं होते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये सारे कमांड ड्रिवन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप लिनक्स या यूबुंटू जैसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यूज कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर यूजर हैं तो आप इनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना जरूरी होता है। तो ये होते हैं हमारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो भी कमांड ड्रिवन होते हैं। यहाँ पे हम किसी आइकन को क्लिक करके कोई जो टास्क है वो अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, किसी आइकन पे क्लिक करके हम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते या उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। इसमें हमको जो सारा हमारा काम है वो कमांड्स के जरिए होता है, तो वो प्रोग्रामर्स ही कर सकते हैं। अब एमएस डॉस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनमें हम ये जानते हैं कि कमांड होती क्या है। देखिए, कमांड जो होती है वो एक प्रोग्राम हो सकता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, एक पूरा का पूरा हमारा रिटर्न में एक प्रोग्राम पूरा हो सकता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को बेसिकली ये इंस्ट्रक्ट करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम अपने कंप्यूटर से, जैसे कि मैं एक पूरा का पूरा प्रोग्राम एक टाइप करता हूँ कि मुझे अपने जो कंप्यूटर में है, मुझे मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करना है, तो अगर वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने अपने लिनक्स में या यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करना है, तो मुझे उसको सारा कमांड्स के जरिए उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली कमांड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि उसे करना क्या है। देखिए, दूसरे जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो होते हैं जीयूआई सॉफ्टवेयर्स। अब जीयूआई क्या होता है? जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारा सबसे जो पहला बदलाव आया है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद, वो ये आया है कि इसमें हमें आइकन्स प्रोवाइड हैं। उन आइकन्स की सहायता से हम अपने जो कंप्यूटर को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। इन्होंने जो कंप्यूटर के यूज को, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है कि जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो कंप्यूटर का यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। इससे हमारा अपने कंप्यूटर के साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं, हमारा जो टास्क है वो बहुत इजी हो जाता है, कि हमने अपने एक एक आइकन पे जो हमारे सामने हमको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, व्यू हो रहा है, हमने उस आइकन पे क्लिक किया और अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म कर लिया। अब इन जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैं, जैसे कि विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें हमारे पास आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, जिनसे कि हमें जो अपना काम करना है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में और विंडोज ऑपरेटिंग, जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास क्या मेजर डिफरेंस है, कि वहां पे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जो भी काम करेंगे वो आप एक कमांड के थ्रू करेंगे, वहां पे आपको कमांड्स आनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और उस कमांड के थ्रू ही आप अपने सारे कंप्यूटर को आप रन कर सकते हैं। लेकिन जीयूआई सॉफ्टवेयर में क्या है कि हमारे पास आइकन्स अवेलेबल हैं, हम उन आइकन्स पे क्लिक करके एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हमें प्रोग्रामर होना जरूरी नहीं है, हमें कमांड याद होना जरूरी नहीं है, ऐसी कोई भी जरूरत हमें नहीं है। तो हम एज अ नॉर्मल कंप्यूटर यूजर भी अपने कंप्यूटर को रन कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल। तो ये मेजर डिफरेंस होता है एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में और एक जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि फाइल्स क्या होती हैं। हमने बहुत बार सुना है कि हमारे कंप्यूटर में इतनी फाइल्स हैं, इतना डेटा है, इतना मेरे पास ये पड़ा हुआ है, चाहे वो एक म्यूजिक फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, जेपीजी फाइल है, पीएनजी फाइल है, लेकिन वो सारी की सारी हमारे कंप्यूटर के लिए वो, या हमारे लिए भी वो फाइल्स ही हैं। तो फाइल्स होती क्या हैं? देखिए, फाइल्स जो होती हैं वो एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होती हैं। अब इनको मैं आपको, आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट है। अब वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक शीट है वो मेरे लिए फाइल कैसे बनी? मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने उसमें अपना कुछ डेटा इनपुट किया,
और डेटा को इनपुट करने के बाद जब मैंने वो डेटा सेव कर लिया तो वो मेरे लिए एक फाइल हो गई। आइए हम उस आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने ओपन किया। अब ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट है, इसको मैं फाइल नहीं कहूंगा, ये हमारे पास एक शीट है। लेकिन मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में, और मुझे अपने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो मुझे अपने पास यहाँ पे स्टोर करने हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर का कॉलम बनाता हूँ, नेम का कॉलम बनाता हूँ, क्लास का कॉलम बनाता हूँ, और मान लीजिए रोल नंबर का कॉलम बनाता हूँ। तो ये हमारे पास चार कॉलम्स हो गए। अब मान लीजिए इनमें मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये एक्सेल का भी हम वीडियो आपको बहुत ही जल्द लॉन्च करेंगे, जिसमें हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे काम किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे काम किया जाता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाती हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो हम आपको पूरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट्स के साथ हम आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही जल्द लॉन्च करेंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डेटा फिल कर लेता हूँ। ये हमारे जो नेम्स हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास फिल कर लेता हूँ। मान लीजिए सबकी सिक्स्थ क्लास है, और उसके बाद जो रोल नंबर हैं वो इनके हैं, मान लीजिए 25, 26, 27, 28, 29। तो ये मैंने यहाँ पे अपना जो एक डेटा है वो फिल कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव पे हमने क्लिक किया और इसे कोई भी नाम दे दिया, जैसे कि स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, और इसको मैंने जहां पे भी अपने सेव करना है वहां पे सेव कर लिया। तो अभी ये मेरे पास एक फाइल है। जब हमने इसको ओपन किया था तो ये हमारे पास एक शीट थी, लेकिन अभी ये मेरे पास एक फाइल है। फाइल और शीट में अभी हमने डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस है। जो शीट थी वो बिल्कुल खाली थी, वो मेरे पास सिर्फ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक शीट थी जो हमने ओपन की। लेकिन जो फाइल है उसने हमारा एक डेटा जो है वो कलेक्ट करके रखा हुआ है, उसमें कंज्यूम करके रखा हुआ है, उसको संभाल के रखा हुआ है, इसीलिए अभी हमारे पास ये फाइल है। तो फाइल इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू स्टोर ऑन अ डिस्क और डिस्कैशे। एक्चुअली ये वर्ड मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मस्ट हैव अ यूनिक नेम, मस्ट हैव अ यूनिक नेम। अब ये मैंने आपको क्यों बताया कि जब हमने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट ओपन की तो उसमें बुक वन करके लिखा हुआ आता है, वो बाय डिफॉल्ट उसको बुक वन ही ओपन करता है। लेकिन जब हमने उसको सेव किया तो मैंने उसको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के नाम से सेव किया, यानी कि फाइल जो है उसका एक यूनिक नेम होता है कि इसके अंदर किस तरह का डेटा जो है वो स्टोर करके रखा गया है, तो उसका एक अपना नाम होता है। और उसके बाद अब हम ये जानते हैं कि फाइल का जो नेम होता है वो हमेशा दो भागों में होता है, टू पार्ट्स में होता है। पहला होता है फाइल का नाम, जैसे कि नाम हो गया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है उस फाइल का एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है किसी भी फाइल का, आप ये कह लीजिए कि किसी भी फाइल का स्वरूप, कि वो किस तरह की फाइल है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि वो किस तरह की फाइल है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये आप कैसे जान सकते हैं। एक्सटेंशन बेसिकली होता क्या है?
तो जैसे कि हमारे पास आप यहाँ पे देखिए कि ये जो फाइल्स हैं, अभी हमने ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की जो एक फाइल थी जो हमने सेव करी है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाकर आपको यहाँ पे पता लगेगा कि फाइल नेम क्या है और एक्सटेंशन क्या है। देखिए, फाइल नेम तो हो गया ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये हमारा फाइल नेम है। और एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन है टाइप ऑफ फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है ये, जिसका एक्सटेंशन है डॉट xlsx। तो ये हमारा एक्सटेंशन होता है कि वो किस तरह की फाइल है। जैसे कि आजकल हमको सबको ये चीज पता ही है कि ये डॉट mp4 फाइल है, वीडियो की फाइल है, ये ऑडियो की फाइल है, या ये डॉट 3gp की फाइल है, या ये हमारी अगर हम उसमें काम कर रहे हैं, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये हमारी डॉक की फाइल है। तो जो एक्सटेंशन होती है वो बेसिकली टाइप ऑफ फाइल होती है, स्वरूप होता है फाइल का, कि ये किस तरह की फाइल है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि हमारा जो फाइल का नाम होता है वो फाइल के नेम के साथ साथ उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है। तो दो भागों में हमारी फाइल का नाम होता है। अभी यहाँ पे हमने आपके सामने कुछ एक्सटेंशंस जो हैं, बेसिक एक्सटेंशन जो आजकल हमारे हर जगह पे नॉर्मली यूज होता है, तो वो हमने जैसे आपको बताई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ इंफॉर्मेशन, मान लीजिए मैंने अगर रिज्यूम बनाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसकी जो फाइल है वो सेव होगी .doc, 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 वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट की ये एक एक्सटेंशन होती है। उसके बाद अगर एक्सेल डॉक्यूमेंट है तो ये .xls से सेव होगी। अभी ये .xls है, और अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको बताया वो .xlsx है। तो वो क्या है कि ये एक अपडेटेड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अब जो .xls की जो फाइल सेव होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में सेव होती थी, या 2007 में भी आप उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010, 2013 यूज कर रहे हैं, तो वो .xls से यूज होती है, जैसे कि अभी हमने पहले सेव करी थी। उसके बाद हमारी पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है .ppt। अभी जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जो रन हो रहा है, ये पावर पॉइंट का बना हुआ एक प्रेजेंटेशन है, तो ये .ppt से सेव होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये थे हमारे एक्सटेंशंस। उसके बाद आ जाती हैं हमारी डायरेक्टरीज। अब डायरेक्टरीज क्या होती हैं? जैसे कि आप मान लीजिए आपने डॉस ओपन किया आपने कंप्यूटर पे, cmd कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन किया, तो हम यहाँ पे ओपन कर ही लेते हैं, तो उससे समझने में आसानी होगी कि डायरेक्टरीज क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पे रन में जाऊंगा और cmd ओपन कर लूंगा। अब सबको यूज करना आता होगा cmd, एक्चुअली मेरे को तो यूज करना नहीं आता है, तो ये बहुत ही हमारे पास मुश्किल की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसा होता है कि मान लीजिए डायरेक्टरीज, मैं यहाँ पे dir लिख के एंटर करता हूँ, तो ये जितनी भी हैं ये हमारे पास डायरेक्टरीज हैं। डायरेक्टरीज क्या हैं? फोल्डर्स हैं जो हमारी ड्राइव में बने हुए हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सुमित .doc की फाइल बनी हुई है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल बनी हुई है सुमित .doc के नाम से। सुमित फाइल नेम हो गया और .doc उसका एक्सटेंशन हो गया। बाकी जो हमारे पास जितनी भी यहाँ पे डायरेक्टरीज शो हो रही हैं वो फोल्डर्स हैं, सब डायरेक्टरीज होती हैं। अगर फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है, जैसे कि मान लीजिए अब मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है पंकज कुमार के नाम से, और उसके अंदर अगर कोई फोल्डर है तो वो हमारा हो जाएगा, सब डायरेक्टरी हो जाएगी उसकी। तो ये हमारी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज तो आपको समझ में आ गया। तो ये बेसिकली जो हमारी डायरेक्टरीज होती हैं, ये हमारे
फोल्डर्स को हम डायरेक्टरीज बोल देते हैं, और ये हमारे जो कंप्यूटर में हमारे डेटा को एक हम ये कह सकते हैं कि एक नेम वाइज या एक एक तरीके वाइज उसको ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करते हैं कि वो अल्फाबेटिकली चलेगा, न्यूमेरिकली चलेगा, या वो अप एंड डाउन चलेगा, डाउन टॉप चले, मतलब ए टू जेड चलेगा या जेड टू ए चलेगा। तो ये सारी हमारे पास डायरेक्टरी होती हैं जो हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करती हैं। तो ये होती है हमारी डायरेक्टरीज जो आपको पता लग गया। तो जैसे कि सी हमारी एक ड्राइव है, सी जो है वो हमारी रूट डायरेक्टरी है, जो हमारी एक ड्राइव जैसे हमारे पास होती है, सी है, डी है, ई है, एफ है। मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में जो चार ड्राइव्स हैं, तो जो ड्राइव होती है वो एक सिंगल डायरेक्टरी होती है, एक रूट डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर आगे जो डेटा है वो एक्सटेंड किया होता है, आगे जो डायरेक्टरीज बनी होती हैं, फोल्डर्स बने होते हैं, या फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स बने होते हैं, और वहां पे जो फाइल्स हैं वो सेव होती हैं, तो वो डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी मेन ड्राइव है, जैसे सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो वो एक रूट डायरेक्टरी होती है, जो सिंगल मेन डायरेक्टरी होती है। अब ये जो हमारी सी है, ये हमारी रूट डायरेक्टरी हो गई जो सी है, और उसके बाद जो गेम्स हैं, डेटा है, सॉरी, जो हमारे यहाँ पे गेम्स हैं, डेटा है, माउस है, विंडोज है, प्रोग्राम्स है, ये जो फोल्डर्स बने हुए हैं, ये हमारे डायरेक्टरीज हो गए। और जो एक्सेल डेटा, वर्ड, डब्ल्यूपी डेटा, वर्ड प्रेस डेटा, ये जो हमारे जो आगे के फोल्डर्स बने हुए हैं, ये हमारे सब डायरेक्टरीज हो गए। तो यहाँ से आपको मदद मिलेगी ये समझने में कि रूट डायरेक्टरी क्या होती है, और हमारी डायरेक्टरीज क्या होती हैं, और हमारी सब डायरेक्टरीज क्या होती हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मैनी मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेंथी वीडियो। एक्चुअली दिस इज वेरी लेंथी वीडियो, बट दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि इस वीडियो में हमने जो कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, पीपल वेयर क्या होता है, कौन सी चीज कैसे काम करती है, पावर सप्लाई क्या होता है, तो आपको ये अपने कंप्यूटर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ये वीडियो जो है बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और ऐसी ही और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए जो कि हम फ्यूचर में आपके साथ शेयर करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कैसे किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कैसे किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम कैसे किया जाता है, और भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की हम आपके साथ वीडियोस बहुत जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।